मदन लाल खुराना जहां कामकाज के लिए गंभीर थे वहीं हसोड़ भी थे। पत्रकारों को वो ऐसे किस्से सुनाते थे जिसे सुनकर वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करते थे। ऐसे में भारतीय राजनीति का ये हसोड़ नेता अब हमारे बीच नहीं हो सकेगा। आपको बता दें और सुनकर आपको ये हंसी भी आएगी कि चुनाव प्रचार के दिनों में वो एक बार बोले कि हमारे नेताओं को तो रात सपने में भी वोट मांगना ही याद आता है। फिर बोले, सुबह घर पर मुझे किसी ने नींद से उठाया तो नींद में उससे ही बोल गया, बहन जी दिल्ली को बनाना है तो वोट देना है। खुराना का सिर्फ अपनी पार्टी से ही नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं से भी बेहद सहज और सलीन रिश्ता था। उन दिनों दिल्ली में अजय मकान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और खुराना मेट्रो के चेयरमैन। एक टीवी शो में दोनों की तीखी बहस हुई थी कि खुराना लाइव शो में बहस छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन अगले ही दिन एक कार्यक्रम में दोनों का आमना सामना हुआ तो तुरंत माकन से लिपट गए और वहां खड़े लोगों से बोले, ये तो मेरा बेटा है। जवाब में माकन बोले, खुराना जी मैं आपका बेटा नहीं, पोता हूं। क्यूरियन हेल्टेक्स की रिपोर्ट।